क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पुलिस विटनेसेस इन ए फॉल्स केस। आपसे पूछा जाए कि आरोपी के खिलाफ झूठे केस की चार्जशीट कौन दाखिल करता है, तो आप बताएंगे कि पुलिस दाखिल करती है। तो अगर पुलिस झूठे केस की चार्जशीट दाखिल कर ही रही है, तो वह यह बात भी चाहेगी कि आपको उस केस में सजा भी हो जाए। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जब क्रिमिनल ट्रायल के दौरान पुलिस के गवाह अपनी गवाही देने आते हैं, तो प्रोसिक्यूशन वाले उन गवाहों को कोर्ट के बाहर बैठाकर उनके पुराने दर्ज किए हुए बयान पढ़वा देते हैं। होता यह है कि जब कोर्ट में पुलिस वाले गवाह का नाम बोला जाता है, तो वह कोर्ट में हाजिर होता है, पटपट अपनी गवाही दे देता है, और वकील साहब जब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो भी वह हर एक सवाल का जवाब खट से दे देता है। पुलिस वाले गवाहों की इतनी साफ सुथरी गवाही जो कोर्ट के सामने होती है, आरोपी के सिर का सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। उसके पास इसकी कोई काट भी नहीं होती है। वकील साहब भी सिर धुन के रह जाते हैं, उनके कानूनी वार भी खाली चले जा रहे होते हैं। तो यह बात साफ हो गई है कि जो भी परंपरागत इलाज एक सामान्य गवाह का होता है, वह इन पुलिस वाले गवाहों का तो हो नहीं सकता। रोज रोज अदालत में पेश होकर इनका हौसला भी बुलंद रहता है, तो इनका क्या किया जाए कि इनकी गवाही झूठ के खिलाफ पढ़ी जा सके और सच्चे आरोपी का नुकसान ना कर पाए। इन पुलिस वाले गवाहों में भी सबसे ऊपर केस का जांच अधिकारी या आयु होता है, वह तो पूरे केस का टोटल करने के लिए आता है। कानून पर वह बोलता है, फैक्ट्स पर वह बोलता है, वह हर एक बात को अपने भीतर समेटे रखता है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है, और वह बहुत बड़ा पेंच है। उस पेंच की पहचान हम आपको केवल इसलिए बता पा रहे हैं कि पिछले 40 सालों से हम कानून के बहुत ध्यान से सीखने वाले विद्यार्थी रहे हैं। विद्यार्थी माने जो सीखता है और हमेशा सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, अपने काम से सीखता है, अपनी किताबों और अपने साथियों के अनुभव से सीखता है। एक विद्यार्थी हर दम सीखता है। हमने भी सीखा और इन पुलिस वालों से भी सीखा। हमने इनके चाल चलन, हाव भाव, काम आराम, उठ बैठ सभी से सीखा। उन्होंने ही हमें रटवा दिया कि पुलिस वाले गवाहों को कैसे तोड़ा जाए, और अब पुलिस वाले गवाहों को क्रॉस करना हमारे लिए इतना सरल हो गया है कि वे ही हमें रास्ता दिखाने लगे हैं कि उस केस को कैसे खोले जो सबको बहुत उलझा पुलझा सा नजर आता है, जिसको देखकर आरोपी गश खा जाता है और जिसकी फाइल पढ़कर नौजवान वकीलों की नजरों में धुंधलका छा जाता है। आइए इस बात को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और देखते हैं। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सवाल है, किसी क्रिमिनल केस में पुलिस के गवाह किन किन बातों के मास्टर होते हैं? जवाब है कि पुलिस के गवाह हमेशा फैक्ट के उस्ताद होते हैं। जिस फैक्ट पर अकेला कोई पुलिस वाला गवाह होता है, उस फैक्ट पर उस गवाह से कभी जरूरत से ज्यादा क्रॉस ना करें। वह आपका क्रॉस तबाह कर देगा। आपको अपनी और गवाह की ताकत और कमजोरी दोनों का सही सही पता होना चाहिए, तभी आप अपना केस जीत सकते हैं। दूसरी बात है, आप कभी भी किसी पुलिस वाले गवाह से इंडियन पीनल कोड पर सवाल ना पूछें। आईपीसी पर पुलिस वाले गवाह की जो पकड़ होती है, वह बेमिसाल है। आप उसे जितना क्रॉस इंडियन पीनल कोड पर करोगे, वह आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर जवाब देगा। अतः आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर पीछे हटना ही पड़ेगा। हम एक उदाहरण से समझते हैं। सेक्शन 382 आईपीसी में चोरी करने के दौरान मृत्यु, चोट या बंधन करने का अपराध आता है। सेक्शन 394 आईपीसी में लूटपाट के दौरान चोट करने का अपराध आता है। जब आईपीसी को पढ़ते हैं, तो बहुत सधे हुए एडवोकेट्स भी इन दोनों सेक्शंस के अंतर पर डगमगा जाते हैं। नए साथियों की तो बात ही क्या है। लेकिन किसी पुलिस वाले गवाह से जरा पूछ कर देखिए, सेक्शन 382 आईपीसी और सेक्शन 394 आईपीसी में क्या अंतर है, तो वह इस सूक्ष्मता से आपको यह अंतर बताएगा कि
आप मुग्ध हुए बिना रह नहीं सकेंगे। अगला सवाल है, पुलिस वाले गवाहों का तोड़ क्या है? जवाब है, हमने अभी देखा है कि फैक्ट्स पर और आईपीसी पर पुलिस वाले गवाह वकीलों को भी लाजवाब कर देते हैं। वे जो पुलिस वाले गवाह होते हैं लगभग अपराजेय होते हैं, अतः उन्हें वहाँ ना छेड़ें। अच्छे वकील उन बिंदुओं से बचकर निकल जाते हैं। तो पुलिस वाले गवाहों को कहाँ पकड़ें? पुलिस वाले गवाहों को पकड़ें सीआरपीसी पर और इंडियन एविडेंस एक्ट पर। सीआरपीसी आप सब जानते ही हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कहते हैं। हमारे देखने में यह आया है कि पुलिस वाले गवाहों का सीआरपीसी में अक्सर हाथंग रहता है। बेल, एफआईआर, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, चार्जशीट, अरेस्ट, सेक्शन 161, सेक्शन 164 आदि से परे वो सीआरपीसी में लगभग कुछ भी नहीं जानते होते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट तो उनकी उससे भी बड़ी कमजोरी होती है। वे सेक्शन 32 की डाइंग डिक्लेरेशन से परे शायद ही इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में कुछ जानते हों। तो जब भी आप उनसे कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित बात पूछोगे तो वे बगले झांकते नजर आएंगे। लेकिन हमारी यह बात अनेक यंग एडवोकेट कोलिग्स को तथा फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को, इनको और इनके मन में एक सवाल तत्काल पैदा करेगी। और सवाल है, अदालत में गवाहों का काम फैक्ट्स बताना होता है। जब भी कोई कानूनी सवाल पूछा जाए तो अदालत उसे डिसअलाउ कर देती है। तो इन हालात में सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के सवाल कैसे पूछे जाएं? हमारा विनम्र निवेदन है कि यही तो एडवोकेसी का मर्म है। यही बताता है कि कुछ लोग उसी काम के लाखों रुपये चार्ज करते हैं और कुछ लोग 500 रुपये में ही खुश हो जाते हैं। यही एक मेहनती और सुस्त वकील का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर हम जम्मू कश्मीर का एक केस लेते हैं, उसके फैक्ट्स को यहाँ आपके सामने रखते हैं। आरोप था कि रात को एक लड़की अपने पिता के साथ पड़ोस के गांव में रुकी थी। उस रात उसने आरोपी पर रेप का आरोप लगा दिया। केस के अनुसार सुबह लड़की अपने गांव पहुंची, अपनी माता को बताया। जब माता ने पिता को बताया और पिता ने पुलिस को सूचना दी। इंडियन लीगल सिस्टम के एक युवा एडवोकेट क्रॉस कर रहे थे। क्रॉस हमने दिल्ली से तैयार करके भेजा था। डिफेंस काउंसिल ने लड़की से सवाल पूछा, बेटा सुबह उठकर आपने नाश्ते में क्या लिया था? ठंडे पानी से नहाई थी या गर्म पानी से? पानी किसने गर्म किया था? और जज साहब थे कि वो बैठे बैठे उछल रहे थे? ये क्या सवाल पूछ रहे हो? यानी कि जज साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो हमारे यंग एडवोकेट थे वे सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 की बाबत पूछ रहे थे, जिसमें गवाह का आचरण महत्वपूर्ण हो जाता है। वे उस लड़की के आचरण को जांच रहे थे और खास तौर से ऐसे समय पर जब उस लड़की ने उससे कुछ समय पहले ही एक आरोप लगाया था। उन हमारे यंग एडवोकेट साथी ने लड़की से धीरे से पूछा, बेटा जब आप खुद थाने में थे तो एफआईआर कागज पर लिखकर क्यों दी थी? बोलकर क्यों नहीं बताई? जिन अंकल ने एफआईआर लिखी थी उनकी मूछें छोटी थी कि मूछें बड़ी थी? लड़की अब चाहे जो जवाब दे दे, यह साबित हो जाएगा कि पुलिस ने सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 161 सीआरपीसी का उल्लंघन कर दिया था। नाबालिग लड़की को एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस थाने में नहीं बुलाना चाहिए था। किसी महिला अफसर के अलावा कोई दूसरा उस लड़की के बयान नहीं ले सकता था। तो अब आप निश्चय ही कह उठेंगे, हे भगवान, एक क्रिमिनल ट्रायल में भी कितने झमेले होते हैं, हमें हमारे केस में ये सब बातें कौन बताएगा? हम है ना, हम बताएंगे। हमारे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजिए, जो लिंक मिले उस पर जाकर हमारी मेंबरशिप लीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बनाकर हमें भेज दें, हम उनका अध्ययन करेंगे, आपको लिखित कंसल्टेशन भेजेंगे और हमारा कारवां आगे बढ़ चलेगा। हमारे और आपके प्रयास एक साथ काम करेंगे तो आपकी विजय सुनिश्चित हो सकेगी। आपको झूठे केसेस से बचाने के लिए हम बहुत अनुभवी एडवोकेट्स को एक मंच पर लेकर आए हैं। सारे भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अदालत में हम उन लोगों की मदद करते हैं जो झूठे आरोपों में गलती से या अपने भोलेपन से फंस गए हैं। हम उन यंग एडवोकेट कलीग्स की भी मदद करते हैं जिनके पास अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऊर्जा है, अपने क्लाइंट को बचाने का जज्बा है। हम उनके लिए एप्लीकेशन, प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी तथा बाकी भी सभी ड्राफ्टिंग पूरी करके दिल्ली से उनके पास भेज देते हैं
भारत के हर स्थान से एडवोकेट समसे जुड़े हैं और इस तकनीक का फायदा ले रहे हैं। आप भी समय न गंवाएं, आपको आपके केस में नुकसान हो सकता है, यथाशीघ्र हमसे संपर्क करें। विजयी हों, झूठ को हरा दें। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर बहुत मूल्यवान जानकारी सरल भाषा में पाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है, यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई ना कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।